धर्मशाला में राहुल गांधी की रैली के बाद सियासत में उबाल सीएम का दावा। राहुल की रैली कांग्रेस के मिशन रिपीट की ओर बढ़ने का पहला कदम। विपक्ष का पलटवार सपना ही बनकर रह जाएगा, कांग्रेस का मिशन रिपीट। प्रदेश सरकार के खिलाफ विपक्ष की चार्जशीट पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने ट्रांसफर और प्रमोशन के मुद्दे पर फिर साधा मुख्यमंत्री पर निशाना। कांग्रेस का पलटवार, किसी भी अधिकारी की भूमिका सरकार तय करती है, पार्टी नहीं। सीएम वीरभद्र सिंह को प्रदेश हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने आयकर असेसमेंट को दोबारा जांचने के आयकर विभाग के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। सीएम, उनकी पत्नी और बेटे ने लगाई थी याचिका। आईसीएस संदिग्ध आबिद खान की कुल्लू कोर्ट में पेशी। 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। 7 जनवरी को सीजेएम लाहौल स्पीति की अदालत में किया जाएगा पेश। करनाल नगर निगम भी हुआ से कैशलेस। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ यूपीआई ऐप के जरिए भी किया जा सकता है भुगतान। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं चुकानी होगी कोई अतिरिक्त राशि। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस को हफ्ते में तीसरी बार लवारिस पड़े मिले नोट। इस बार 5,94,000 रुपए बरामद। यमुनानगर में खैर तस्करों पर की गई कार्रवाई में वन विभाग के 3 कर्मचारियों समेत 4 घायल। पुलिस ने जंगल में नाकेबंदी कर 3 तस्करों को पकड़ा। खैर से भरा हुआ ट्रक भी जब्त। पानीपत में ससुराल से तंग आकर युवक ने खाया जहर। मृतक के भाई का आरोप, बहन से मिलने से रोक रहे थे ससुराल वाले। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पानीपत में झारखंड की रहने वाली नाबालिग हुई मानव तस्करी का शिकार। लड़की के पति पर उसे 70,000 रुपए में बेचने का आरोप। राष्ट्रीय बाल संरक्षण टीम ने लड़की को मुक्त करवाकर महिला बाल कल्याण समिति को सौंपा। हिमाचल में रविवार को हुई सीजन की पहली बर्फबारी के बाद बागवानों के खिले चेहरे तो भारी संख्या में सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारी भी खुश। सैलानियों की फिर से बर्फबारी होने की उम्मीद।